गुल अज़रु खता मुहता नाजुक बदनीरा 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 बदनीरा। जी यहाँ पे आ गई खजूरें, हैंड सैनिटाइजर, ये दही के साथ मसाला, ये है पानी, ये साथ में दही खाने के लिए चम्मच। सारे पैकेट्स में ऐसे ही है, बन, खजूरें, मसाला। दूसरा पैकेट मिला हुआ है, ये पैकेट दूसरा है, अलग है। इसमें मैं चेक करवाती हूँ इसमें क्या है। अच्छा, इसमें सबसे पहले आ गया दही, जबादी और ये वाली खजूर है। मुझे ये वाली खजूर पसंद नहीं है, मेरे ख्याल में अजवा है या दूसरी खजूर है, ठीक है। और इसमें आ जाता है ये ब्रेड, क्रोसेंट, क्रोसेंट, क्रोसेंट। और ये है पानी, ये जो पानी होता है इसमें जो इफ्तार में मिलता है, ये आबे जमजम नहीं होता, दूसरा पानी होता है। हमारी इफ्तार आज की यहाँ पे, हो सकता है ये इफ्तार आखिरी इफ्तार है रमज़ान की, कल हो सकता है ईद हो। और ये मस्जिद नबी का मंजर, सऊदीया की ईद मस्जिद नबी में बैठ के मेहंदी लगा, ईद का चांद नजर आ गया और ईद की रौनकें चेक कर रहे हैं। सब लोग एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहे हैं और मुझे मिला ये मीठे में चांद नजर आने की खुशी में। तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत मजा आ रहा है ये चांद रात का। अभी सब लोग जा चुके हैं नमाज इशा पढ़ के, सब लोग अपने होटलों की तरफ जा चुके हैं, तैयार श्यार होके रेडी होके आएंगे, क्योंकि सुबह जब टाइम होगा ईद की नमाज का तो यहाँ पे ज़रा जगह नहीं मिलेगी, और इसलिए ये सब लोग जो हैं जा चुके हैं, वरना यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा रश था। अच्छा, यहाँ पे किसी जगह पे कोई चूड़ियाँ बांट रही हैं, कोई मेहंदी बांट रही है, कोई मेहंदियाँ लगा रही हैं, इतनी रौनक है ना इस वक्त यहाँ पे। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी रौनक, ऐसी चांद रात नहीं देखी, सब लोग इतना इंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं सब। और अभी हम लोग जा रहे हैं एक दावत पे, अल बेग पे हमारी दावत है, तो वहाँ पहले दावत खाएंगे, फिर होटल जाएंगे, होटल से फिर हम जाएंगे आएंगे वापस ईद की नमाज के लिए। तो ये ले आपका पानी, जमजम। अल बेग आ गया और ये आ चुकी है अल बेग की दावत। वैसे तो इरादा वहाँ अल बेग पे जा खाने का था, लेकिन वहाँ रश ज़्यादा होने की वजह से हम हरम में ही ले आए और यहाँ बैठ के फिर सब ने जो ये दावत थी वो खा ली। ये सारे अल बेग के, अल बेग, अल बेग, अल बेग, अल बेग, अल बेग की चटनी, ये क्या है, आइसक्रीम अल बेग, ये पीछे पड़ी हुई है अल बेग की आइसक्रीम। इतनी है, कितनी है टोटल? 10 अल बेग की आइसक्रीम। और जी ये दावत हम सबको दी थी आंटी इशरत ने, जो कि इधर जद्दा में रहती हैं, और हमारी उनकी मुलाकात यहाँ मदीने में हुई। मुस्तफा, मुस्तफा,
भी अलबेग की जो दावत थी जो आंटी ने हमें दी थी वो खा ली है हम सब ने और बड़ा मज़ा आया अलबेग का। यहाँ पे अलबेग बहुत ज़्यादा फेमस है, जो जो भी आते हैं उन्हें कहते हैं कि सऊदीया का अलबेग ज़रूर खा कर आएँ। और हम इस वक्त जा रहे हैं घर वापस अपने होटल, लेकिन उससे पहले कुछ मार्केट्स हैं यहाँ पे रास्ते में जो आती हैं, मैंने वो भी एक्सप्लोर करनी है, देखनी है, वो भी देखेंगे। चलिए चलते हैं मस्जिद नबी से, अभी हम निकल रहे हैं और माशाल्लाह सामने सब्ज़ गुंबद। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैह, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैह। वाह आपी, यहाँ तो बड़ी प्यारी प्यारी चीजें हैं, नकली सोना। ये देखो कितना क्यूट है, जाय नमाज भी पड़े हुए हैं। ये सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है इस मार्केट में, मतलब यहाँ बहुत कुछ है। यहूद पड़े हुए हैं, हर किस्म की तस्बीहां, मेहंदी भी है, हमने मेहंदी ले ली हुई है ना, ये दूसरी भाई मेहंदी है, ये अब भाई मैंने हाथ में पकड़ी हुई है। ये सामने जो शॉप है यहाँ से हर चीज़ जो है दो रियाल में मिलती है, लगा हुआ था दो रियाल का, तो इसमें जाके चेक किया तकरीबन सब चीज़ें थी, ज्वेलरी वगैरह, तस्बीह, टोपी और मेकअप का भी सामान था, सब दो रियाल में मिल रहा था, जो कि मदीना में हर जगह हर चीज़ के रेट ज़्यादा था, लेकिन इस दुकान पे ये दुकान सही थी दो रियाल में। ये है मस्जिद बिलाल, और मस्जिद बिलाल में मार्केट है, एक मार्केट पूरा फ्लोर पे है और उसके नीचे वाले फ्लोर पे भी एक मार्केट है काफ़ी बड़ी सी। ऊपर जो मार्केट एरिया उसमें अबाया की सबसे ज़्यादा दुकानें हैं, अबाया बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, हर तरह के हर वैरायटी के अबायाज अवेलेबल हैं, लेकिन बात यह है कि एक्सपेंसिव भी बहुत है। हम लोग भी गए अबाया देखने के लिए, क्योंकि मेरे पास जो अबाया वो था मोटा था तो इसलिए, और मैं थोड़ा पतला अबाया की तलाश में थी कि पतला जो मक्के में गर्मी है उस लिहाज से पतला अबाया हो, तो मिल तो गए यहाँ पे बहुत, लेकिन एक्सपेंसिव थे। तो आंटी ने कहा कि मक्का में ईद के बाद रेट थोड़े मुनासिब हो जाएंगे तो हम वहाँ से दे देंगे, लिहाजा फिर नहीं लिया। इतनी दुकानें हैं यहाँ गोल्ड की, ईद की वजह से तमाम मार्केट्स में रेट हर चीज़ के बहुत ज़्यादा थे। ईद का ड्रेस जो कि मैं पाकिस्तान से लाई थी, जब लिया था तब इरादतन मिस्र के लिए लिया था, मिस्र में ईद होगी, लेकिन हमें नहीं पता था कि इस दफ़ा हमें बुलावा आ जाएगा और ये ईद हमारी मदीने में होगी। अच्छा इसे काट के तो दिखाए ना, अभी 1:20 का टाइम है रात का और लोग धड़ाधड़ जाई जा रहे हैं ईद की नमाज के लिए मस्जिद नबी में।
रात को मुझे किसी ने मेहंदी नहीं लगाई थी, इसलिए ईद की नमाज़ से पहले मस्जिद हरम में एक मिल गई थी, उन्होंने मुझे लगाई मेहंदी, क्योंकि वो लगा रही थी, पहले भी किसी को लगा रही थी। तो जब आंटी को पता चला कि लगा रही हूँ, तो आंटी ने फिर मुझे भड़कवा दी। मेरे हाथ की लगी हुई मेहंदी आप ही दिखा दे, ये वाली थोड़ी खराब है ना। पापा की कॉल पे कॉल आ रही है, ओके बाय, फेस लाऊं आपका, बाय बाय, चलो चलते हैं, काफी टाइम हो गया है और मस्जिद भी ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है, बाय बाय। तमाम देखने वालों को जब तक ये वीडियो अपलोड होगी, ईद आपकी पाकिस्तान में भी हो जाएगी, सबको ईद मुबारक। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज अदा हो चुकी है और क्या ही नज़ारे हैं, मैं वीडियो में दिखा नहीं सकती। सामने जन्नतुल बकी है, और यहाँ पे हमने नमाज अदा की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये ईद मस्जिद नबवी में हुई, बहुत खुशी हो रही है, एक्सप्लेन नहीं कर सकते जज्बात को, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम जा रहे हैं फिर से मस्जिद नबवी नमाज जुमा के लिए, इसकी नमाज़ पढ़ के आ गए थे और ये बसेज आ गई हैं होटल्स के आगे, इनमें अब हाजी जो है उन्होंने जुमे की नमाज अदा करने के बाद वापस मक्का की तरफ जाना है। बसें सारी लग चुकी हैं। इतने सारे ये कीड़े मकोड़े, ये जगह जगह मक्का में भी ये बहुत हैं ब्लैक कलर के, अभी चेक करो इतने हैं, ये बेचारे कुछ जो हैं पाँव के नीचे आके मरी जा रहे हैं, और वो ऊपर चेक करो रोशनी के इर्द गिर्द तो बहुत ज़्यादा है।